चुकी है और किरण देव ने भी अपने परिवार के साथ यहां पर वोट कास्ट किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में मोदी की लहर है, एक बार फिर से कमल खिलता हुआ देश में नजर आएगा। कांग्रेस पूरी तरह से हार मान चुकी है, कांग्रेस पर यहां पर जुबानी हमला करते हुए भी नजर आए किरण देव। मेरा वोट हो चुका है, मेरे परिवार का वोट हो चुका है, आसपास पड़ोस के सभी लोगों का वोट हो चुका है। मैं आपके माध्यम से और पूरे बस्तर लोकसभा के सभी आदरणीय मतदाता बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का, मैं और युवा साथी हमारे जो हैं जितने भी मतदाता हैं सबको मैं निवेदन करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और सभी अपने घरों से निकले और अपना मतदान सुनिश्चित करें। ये आपका मौलिक अधिकार है। आप अपने मतदान के माध्यम से और एक स्थिर, सुदृढ़ और मजबूत सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं निश्चित रूप से, और आप सभी की सहभागिता इस लोकतंत्र के महापर्व में हो। अपने मतदान का, अपने मौलिक अधिकार का जरूर प्रयोग करें। पूरी तरह से आश्वस्त है, बहुत अच्छे अंतर से हम बस्तर लोकसभा भी और छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभाओं में जीत के उससे आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप जगह जगह घूम रहे हैं, कई अस्थिरता देखने को मिल रही है? नहीं, उससे बात हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त इसमें करने के लिए हमने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी किया है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन लगा हुआ है, उसमें जो भी व्यवस्था सुनिश्चित करना है और आवश्यक जो भी है उसको करने का हमने अभी बात भी करी है सबसे से, मेरा क्योंकि कोई अपने मताधिकार से वंचित न हो इस दिशा में, और प्रशासन अपने पूरी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे ने वोट डाला है, उन्होंने न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ से खास बातचीत भी की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं एमएलबी स्कूल के मतदान केंद्र क्रमांक पे, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी आशीष दुबे भी वोट डालेंगे। आप देखिए कि यहां पर भी भीड़ पहुंची हुई है, तमाम मीडिया के लोग भी पहुंचे हैं। मैं आशीष जी से बात कर लेता हूं, खुद मेरे साथ आ गए। आशीष जी नमस्कार। आशीष जी आप मतदान करने पहुंचे हुए हैं, आज संविधान के द्वारा हर भारतीय को जो एक सबसे बड़ा मताधिकार का अधिकार दिया गया आज उसका चुकी है। और किरण देव ने भी अपने परिवार के साथ यहां पर वोट कास्ट किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में मोदी की लहर है, एक बार फिर से कमल खिलता हुआ देश में नजर आएगा। कांग्रेस पूरी तरह से हार मान चुकी है, कांग्रेस पर यहां पर जुबानी हमला करते हुए भी नजर आए किरण देव। मेरा वोट हो चुका है, मेरे परिवार का वोट हो चुका है, आसपास पड़ोस के सभी लोगों का वोट हो चुका है। मैं आपके माध्यम से और पूरे बस्तर लोकसभा के सभी आदरणीय मतदाता बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का, मैं और युवा साथी हमारे जो हैं जितने भी मतदाता हैं सबको मैं निवेदन करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और सभी अपने घरों से निकले और अपना मतदान सुनिश्चित करें। ये आपका मौलिक अधिकार है। आप अपने मतदान के माध्यम से और एक स्थिर, सुदृढ़ और मजबूत सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं निश्चित रूप से, और आप सभी की सहभागिता इस लोकतंत्र के महापर्व में हो। अपने मतदान का, अपने मौलिक अधिकार का जरूर प्रयोग करें। पूरी तरह से आश्वस्त है, बहुत अच्छे अंतर से हम बस्तर लोकसभा भी और छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभाओं में जीत के उससे आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप जगह जगह घूम रहे हैं, कई अस्थिरता देखने को मिल रही है? नहीं, उससे बात हो रही है, प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त इसमें करने के लिए हमने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी किया है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन लगा हुआ है, उसमें जो भी व्यवस्था सुनिश्चित करना है और आवश्यक जो भी है उसको करने का हमने अभी बात भी करी है सबसे से, मेरा क्योंकि कोई अपने मताधिकार से वंचित न हो इस दिशा में, और प्रशासन अपने पूरी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।